हिमाचल में सीएम पद के लिए भाजपा का चेहरा कौन होगा, इस पर रहस्य बरकरार है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पालमपुर में कहा कि हिमाचल में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस पर पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आने वाले चुनाव में सीएम पद के लिए चेहरा भी हो सकता है और नहीं भी। शाह ने ये जरूर कहा कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान नए चेहरे मैदान में उतारे जाएंगे। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने पालमपुर आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। उन्होंने वीरभद्र सरकार पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि सूबे में समय से पहले विधानसभा चुनाव होने के सवाल पर शाह ने कहा कि चुनाव चाहे जब हो भाजपा लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ दिन पहले हिमाचल भाजपाओं के नेताओं के साथ उन्होंने दिल्ली में बैठक की थी। इसमें चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अभी तक पार्टी ने प्रदेश में जो तैयारियां की है वह संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिहाज से यहां सब ठीक चल रहा है। हिमाचल में हर सीट को मजबूत बनाने का काम हो चुका है। विधानसभा में 3/4 बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी पार्टी। में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 70 वर्ष उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, इससे ज्यादा उम्र के नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का सबसे ज्यादा फायदा हिमाचल को मिला है। शाह ने कहा कि वह हिमाचल में पार्टी के विस्तार और पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर मजबूती देने के लिए आए हैं। जिस तरह अन्य राज्यों में वहां की जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर मोदी सरकार की विकास यात्रा से जुड़ी है, उसी तरह हिमाचल की जनता को भी इस विकास यात्रा से जुड़ना चाहिए। शाह ने हिमाचल के मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने पहली मर्तबा ऐसा सीएम देखा जो भ्रष्टाचार के आरोप का तमगा सीने से लगाकर कुर्सी से चिपका हो। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, वन माफिया को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर केस यूपीए सरकार की समय से चल रहे हैं, ना कि मोदी सरकार ने चलाए हैं। मुख्यमंत्री रिटायर लोगों के सहारे सरकार चला रहे हैं, इससे युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका सीएम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने 3 साल में हिमाचल को 61 NH की मंजूरी दी, लेकिन मुख्यमंत्री DPR तक नहीं बनवा पाए। यहां तक कि DPR बनाने के लिए केंद्र ने हिमाचल सरकार को 229 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि शेष बचे कार्यकाल में केंद्र से मिली आर्थिक सहायता को खर्च करें। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनल।